गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स. ठीक है, उससे पहले यू विल हैव टू स्टडी अबाउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं, हम छोटी सी चीज़ से, छोटे से एक लोएस्ट सेल से, स्ट्रक्चर से हम इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाते हैं. ठीक है, लेट्स सी. अगर देखो, ये एक पूरा हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है. इसमें आपके सिलेबस में सेल से शुरू है, बट वी आर टेकिंग समवट अर्लियर, थोड़ा सा हम पहले देख रहे हैं. देखो, नॉन लिविंग थिंग्स जिनके बारे में हम बात करते हैं, एक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हम हैं. नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर जो है दैट इज एटम, जो सबसे छोटा पार्ट किसी भी नॉन लिविंग थिंग का है दैट इज द एटम. एटम्स ज्वाइन होते हैं आपस में, किसी ना किसी बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं किसी. ठीक है, तो वो आपस में कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. देन दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह. ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के में यूज़ होते हैं. एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वाटर, सॉल्ट्स एंड विटामिन्स, दीज आर अगेन इन इनऑर्गेनिक मटीरियल से मिलकर बने हैं. इसमें एक्चुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन यूज़ होता है. कार्बन इज़ यूज फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स. देन कम्स की उन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स. सो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर जब बनते हैं दैट फॉर्म्स द मैक्रो मॉलिक्यूल्स. और मैक्रो मॉलिक्यूल्स से बनते हैं छोटे छोटे ऑर्गन्स जिनको हम ऑर्गेनलीज बोलते हैं. ऑर्गेनलीज जो हैं वो एक सेल का पार्ट है, समझे? फिर से आई एम रिपीटिंग. देखो, मैं पीछे जा रही हूँ, आपकी बुक में ये नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ सिर्फ. एक सेल जो होता है यहाँ से शुरू है आपकी बुक में, ठीक है, लेकिन मैं उससे भी थोड़ा सा पहले अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ. एक सेल हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, जो एक पूरा एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जिसके अंदर काम होता है, और वो एक पूरी कम्युनिटी की तरह है. हर तरीके का काम उसके अंदर होता है. ठीक है, अब वो सेल कैसे बना पहले मैं वो बताना चाहती हूँ. सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, तो छोटे छोटे जो ऑर्गन्स होते हैं सेल के हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनलीज. ठीक है, अब ऑर्गेनलीज जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल से, बड़े बड़े मॉलिक्यूल से बनी है. ये भी नॉन लिविंग पार्ट है. बड़े बड़े मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स का पार्ट. ठीक है, मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ 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 के बनाएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल. पर मॉलिक्यूल कैसे बना? तो मॉलिक्यूल का सबसे छोटा पार्ट है एटम. तो ऑन द होल हमारा लाइफ ऑर्गेनाइजेशन एटम से शुरू होता है. सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, मैटर मैं फिर बोल रही हूँ मैटर, ये नॉन लिविंग थिंग का, दिस इज एटम. ठीक है, फिर उससे बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना बड़ा मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल से बने सेल के छोटे छोटे पार्ट्स, और सेल के छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर एक बड़ा, एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें फंक्शनिंग होती है, और उसको हम बोलते हैं सेल. आई होप दैट इट इज़ क्लियर. और अब ये एक यूनिटी की तरह काम करता है, एक यूनिट की तरह पूरा अच्छे से काम कर रहा है. सो वी से दैट इट इज़ लिविंग, इट इज लिविंग. अब जी, सेल्स जुड़ 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 के इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज. ठीक है, सेल्स आपस में जुड़ते जाते हैं और फिर वो मिलकर काम करते हैं जिनको हम बोलते हैं टिश्यूज. ठीक है, सो टिश्यूज इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, फाइन. उसके बाद टिश्यूज, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है, एक ही तरीके का काम करने वाले, वो अपना अपना काम शेयर करते रहते हैं.
सो ये टिश्यूज़ हैं जो लीफ में मिलती हैं, एनिमल टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, तो ये सारे अलग अलग तरह के टिश्यूज़ हैं। ठीक है, डोंट गो दैट मच इन डीप, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो टिश्यूज़ इकट्ठे मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, हमारी बॉडी का ऑर्गन। ये कौन सा ऑर्गन दिखा? हार्ट। ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में वो बनते हैं टिश्यूज़ से। ठीक है, वो भी लिविंग है। ऑर्गन इज़ अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ विच वर्क टुगेदर, इकट्ठा करते हैं काम और कोई एक स्पेशल फंक्शन काम करते हैं। जैसे हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ब्लड लेना और पंप कर देना। लंग्स का काम क्या है? एयर पंप करना, मींस एयर लेना, उसको देना, फिर उसको बाहर छोड़ना। ठीक है जी, लीवर का अपना काम है डाइजेशन का, स्टमक का भी डाइजेशन का, ब्रेन का पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का, किडनीज का एक्सक्रीशन करने का। और प्लांट ऑर्गन्स में आते हैं स्टेम्स एंड लीव्स। फिर जी, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सो ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट कोऑर्डिनेट टू फॉर्म परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन। जैसे कि ये देखो, लिम्फैटिक सिस्टम, चलो एक बार ये छोड़ो, आपके लेवल से ऊपर है। सेकेंड वी आर कमिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नोज, माउथ, देन आपकी विंड पाइप, ब्रॉन्चाइटिस, देन लंग्स, ये सारे चाहिए। ये पिंक वाला सेकेंड नंबर वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देन थर्ड इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखिए, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स आ गए, आपके माउथ से, माउथ के बाद फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टमक, स्टमक के बाद आपके आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। और इसी डाइजेस्टिव पार्ट के दो, डाइजेस्टिव सिस्टम के दो हेल्पर्स हैं जिनको हम नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं लेते बट हेल्पर्स लेते हैं, वो है लीवर, पेनक्रियास। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ फिगर में आप देख रहे हो एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज किडनीज, किडनीज से सारा ब्लड के अंदर वाला गंद फिल्टर होता है और ब्लैडर में भरता रहता है। देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर देयर, देन स्केलेटल सिस्टम आर देयर, नर्वस सिस्टम आर देयर, मस्कुलर सिस्टम आर देयर, फिर एंडोक्राइन सिस्टम, अलग अलग तरीके के सिस्टम हैं और इनमें अलग अलग तरीके के क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। तो वो ऑर्गन्स इकट्ठे मिलकर सिस्टम्स बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, जिसके एग्जांपल्स आपने अभी देखे, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फैटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। फिर नीचे आएंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना। सो इन प्लांट्स द शूट इज एन ऑर्गन सिस्टम, इसमें ऑर्गन सिस्टम है शूट, दैट मीन्स स्टेम, क्योंकि स्टेम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना, वो हम पढ़ चुके हैं पीछे वाले में, सो आई एम नॉट टेकिंग दैट। फिर जिस सिस्टम बनता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और वो लिविंग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे अब हम पढ़ने जाएंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इन ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, जैसे हम हैं, जैसे प्लांट्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये इनमें अलग अलग तरीके के सिस्टम्स होते हैं सारे, और सारे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं अपने अपने। ठीक है, सो इट मे बी अ सिंगल सेल और इट मे बी अ मल्टीपल सेल। नाउ वी आर कमिंग ऑन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी आज थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपका सारा जो बुक वाला है वो कवर करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होता है, जिसको हम बकल कैविटी बोलते हैं, फिर फेरिंग्स पे आते हैं, ऑइसोफेगस, जिसको फूड पाइप बोलते हैं,
स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। ये जो है ये सारे पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है? कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू। आपकी बुक में और अच्छा बना हुआ है वो बनाइए, ठीक है? देन सबसे पहला पार्ट होता है माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस। ये माउथ के अंदर है, माउथ के अंदर होता है, टीथ भी होता है, टंग भी होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। और माउथ इज़ ओनली एन ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सिर्फ एक ओपनिंग है, इससे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड लेके जाना है, ठीक है? तो अगर हम माउथ से फूड लेकर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंजेशन, इंजेशन बाहर अंदर लेके जाना फूड। तो माउथ में क्या होता है? च्यूइंग होती है, च्यू करते हैं हम अच्छे से। द कैविटी और स्पेस इन माउथ, माउथ के अंदर जो कैविटी होती है ना, जो खाली जगह जिसमें हम खाना रखते हैं टंग के ऊपर वाली जगह, उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। देन हमारी जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है हमारी बक्कल कैविटी के अंदर, और कौन करवाता है? टीथ, टंग एंड ओपनिंग्स ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का भी बहुत ज़रूरी वाला रोल है। क्या रोल है? देखो, आप मिक्सी चलाते हो, मिक्सी में कोई हार्ड चीज़ चलाओगे, उसके लिए वो नहीं पिस रही है तो आपको उसके लिए पानी डालना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से हमारी जो मिक्सी है वो है हमारी बकल कैविटी। उसके अंदर अगर कुछ चीज़ पिस रही है तो उसको, उसके साथ उसको जूसेस मिलते जाते हैं, कुछ एंजाइम्स मिलते जाते हैं जिसको हम कहते हैं सलाइवा। तो सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स उसको मिलते हैं। फिजिकल और एंड केमिकल नेचर ऑफ द फूड चेंजेस जब ये सलाइवा के साथ, सलाइवा भी एक तरीके का एसिड होता है, तो जब वो फूड के साथ मिल जाता है तो फूड का केमिकल नेचर, फिजिकल नेचर सब चेंज हो जाता है और वो एक पेस्ट बन जाती है। तभी आपको कहते हैं चबा चबा के खाना चाहिए, ठीक है? सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ इन मैन। हमारे अंदर चार तरीके के टीथ होते हैं। इनसीजर्स, इनसीजर्स बिल्कुल आगे वाले चार दांत जो काटने में काम आते हैं, तो काटते हैं, तो दैट्स वाई सीजर से नाम पड़ गया, अंदर वाली सीजर, इनसीजर्स। देन उसके साथ तीखे वाले जो दांत होते हैं, एक एक तीखे वाला दांत होता है उसको कैनाइन बोलते हैं। उसके पीछे वाले दो 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 दांत हर तरफ, मतलब अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर राइट, लेफ्ट एंड लोअर राइट। सो एट हो गए वो प्रीमोलर्स। एंड देन मोलर्स, मोलर्स 3 × 2 = 4, मतलब तीन तीन होते हैं चारों साइड्स पे, तो वो उनका एक अलग फंक्शन है। सो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज सेम ऑन द अपर एंड लोअर जा, ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम होते हैं। अडल्ट ह्यूमन बींग के तो 32 होते हैं, 8 इंसीजर, 4 कैनाइन्स, 8 प्रीमोलर्स एंड 20 मोलर्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके 10 होते हैं, और आप जैसे बच्चों के बढ़ घट रहे होते हैं अभी, किसी के कम किसी के ज़्यादा, है ना? सो टंग, टंग का काम क्या है भैया? टंग इज़ अ मसल। ये फूड को घुमा घुमा के पीस पीस के उसको, फिर टेस्ट बस से टेस्ट भी आता है आपको उससे, और फिर उसको अल्टीमेटली फेंक देती है फूड पाइप में। और फूड पाइप में फेंकने को बोलते हैं स्वेलोइंग, निगलना। ये देखो, ये थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है बक्कल कैविटी के अंदर। दे आर पैरेटेड सब लिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, डोंट डू इट, मैं जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जो चीक्स में ऊपर होते हैं उनको पैरेटिड बोलते हैं, जो नीचे होते हैं टंग के दैट इज सब लिंगुअल एंड सब मंदिबुलर ग्लैंड, वो उसके जस्ट नीचे ही होता है, ठीक है? देन दो पेयर और होते हैं ग्लैंड्स के, वो टंग के नीचे खुलते हैं। सलाइवा इज रिलीज व्हेन फूड इज प्रेजेंट इन बकल कैविटी। जब मुंह में बकल कैविटी है तो सलाइवा अपने आप प्रोड्यूस होने लगता है, एंड इट इज़ ऑल्सो रिलीज एट द साइट। कि भूख लगी हो और एकदम कहीं किसी को कुछ खाता देख लो या खुशबू आ जाए तो भी अपने आप सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। सलाइवा कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट एंड म्यूकस। सलाइवा में बहुत सारा वेस्ट भी है और म्यूकस वगैरह भी है।
सो सलाइवा इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर. इट कंटेन्स एन एंजाइम्स कॉल्ड सलाइवरी. ठीक है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेस दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू डेक्सट्रीन एंड माल्टोज शुगर. ये मतलब हमारे स्टार्च को, हमारे जो एंजाइम्स हैं उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. सो एज द फूड स्टेज, हमारा फूड हमारी मुंह में बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है, इसीलिए स्टार्च पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, उसके लिए उसको एनिमल चाहिए. ठीक है जी. सो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए एक बार हम यहीं तक पढ़ेंगे. ठीक है, बाकी का डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है जी. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द नेक्स्ट लेवल ऑफ चैप्टर, बिकॉज दिस इज़ अबाउट यू ओनली. और आप अपने बारे में तो पढ़ के खुश ही होंगे, है ना. एंड वन थिंग मोर, डू प्रैक्टिस एंड लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 8, क्योंकि ऑन कमिंग मंडे यू विल बी हैविंग सब्जेक्टिव टेस्ट. मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया था, सब्जेक्टिव नहीं दिया, सिर्फ इसीलिए कि आपने अभी तक लिखे नहीं होंगे और याद नहीं किए होंगे. सो ऑन मंडे गेट रेडी, बिकॉज मंडे को ये चैप्टर ख़त्म तो होने वाला नहीं है. आई विल बी गिविंग यू सब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ चैप्टर 8. थैंक यू वेरी मच.